हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक व्यूअर है जिनका कहना है कि सर एक वीडियो में पेरोल को कवर करने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा समझ में आएगा। बात भी सही है। चलिए आज एक वीडियो में पेरोल को कवर करने की कोशिश करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आपको करना क्या है, F11 की प्रेस करनी है कीबोर्ड से। आप वो कंपनी चूज कर लीजिए जिसमें आप पेरोल को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो अभी कंप्यूटर हमारी कंपनी है, यहाँ पर आपको मिलेगा पेरोल ऑप्शन। तो यहाँ पर ये वाई प्रेस कर दीजिएगा, आपके में एन होगा ये, तो ये वाई प्रेस कर दीजिएगा तो ये यस हो जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा, एक्सेप्ट हो गया, बाहर आ जाइए। अब जो पेरोल चालू नहीं था वो चालू हो गया है। अब यहाँ क्रिएट पे आएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरोल में आपको तमाम चीजें दिखाई पड़ेंगी। देखिए पेरोल मास्टर में आपको एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइप, पे हेड और पेरोल वाउचर टाइप, ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। इन सारी चीजों का यूज हमको करना है। अब हमको क्या करना है, पहला काम करना है अटेंडेंस बनाना है, तो यहां से बना लेते हैं ना। चलिए यहां पे लिखता हूं मैं एब्सेंट, ठीक है। तो अटेंडेंस टाइप में पहला लिख लिया एब्सेंट, और ये एब्सेंट एक को दिन एब्सेंट होंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, कहने का ये मतलब है। तो लीव विदाउट पे करेंगे, लीव विद पे नहीं, लीव विदाउट पे, ये कर दिया। दूसरा ओवर टाइम करेंगे, तो ओवर टाइम यहां कर देता हूं ओटी, ओटी माने ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे, और यहाँ पे क्या करना है, ओवर टाइम में हम कर देंगे प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन किस हिसाब से, यहाँ किलो आ रहा है तो किलोग्राम नहीं रखेंगे, यहाँ पे कर देंगे ऑल्ट साथ सी, यहाँ करेंगे एच आर एस आवर्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ एच ओ यू आर एस आवर्स, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे थ्री कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये हो गया आवर्स, और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये आपका बन गया आवर्स, यानी प्रोडक्शन टाइप भी हमने बना लिया। लीजिए कि एम्प्लॉयज एक से ज्यादा हो सकते हैं भाई, एक ही को जरूरी थोड़ी ना कि एक ऑफिस में एक ही एम्प्लॉय काम करेगा, कई एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो हम इसके लिए पेहेड बना लेते हैं। पेहेड माने कितना रुपया पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो पेहेड में मैं लिखता हूँ बेसिक सैलरी, क्या लिखूंगा बेसिक, और भाई तो ये हो गया बेसिक सैलरी, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज यहाँ फिक्स रहेगा, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे, तो ये सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होती है। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग टाइप दिया हुआ है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज यूजर डिफाइंड, फ्लैट रेट, अटेंडेंस ऑन प्रोडक्शन है, ऑन प्रोडक्शन है और ऑन अटेंडेंस है। तो ऑन अटेंडेंस रख देते हैं क्योंकि हमने एब्सेंट बनाया है, याद ही है आपको। यहाँ पर एंटरप्रेस करना है, एब्सेंट रहेंगे तो एक रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। मंथ मंथ वाइज हम देंगे, और यहाँ पे कैलेंडर पीरियड रख के, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे थ्री कर देता हूँ, तीन अंकों तक दशमलव की ये ले लेगा, एंटरप्रेस कर देता हूँ। तो ये हमने बना लिया बेसिक सैलरी के लिए। कंपनी वाला होता है तो ओवर टाइम भी करवाता है लोग, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओटी, ओवर टाइम, ओटी माने ओवर टाइम, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। ओवर टाइम करेंगे तो ये होगा क्या, यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही होगा, फिक्स्ड होगा, और यहाँ पे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, और यहाँ पे ओटी रहेगा, फिर नेम टू बी डिस्प्ले, हाँ ठीक है, और एंटरप्रेस करेंगे, और यहां पर आएगा ऑन प्रोडक्शन, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन आएगा, और यहाँ पर ओटी कर देंगे, और एंटर एंटर करके, और यहाँ पर नॉर्मल, और यहाँ पे टू थ्री जो भी करना है करके, एंटरप्रेस करके, और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हमारा हो गया ये पूरा। अब हम ट्रेवलिंग अलाउंस बना लेते हैं, तो यहाँ TA लिख देता हूँ सिंपली, एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, यहाँ अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, फिक्स रहेगा ये, पर ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देता हूं मैं, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर मैं कर देता हूं फ्लैट रेट, फ्लैट रेट से हम देंगे, ठीक है, और यहां पर मंथली हम देंगे, तो ये मंथ कर दिया हमने, और यहां से नॉर्मल राउंडिंग, और यहां थ्री जो भी करना है करके, और इसको एक्सेप्ट करा ले। डियरनेस अलाउंस लाइक रेंट वगैरह का जो होता है उसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं, तो यहां मैं कर देता हूं DA, ठीक है, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, ये आपको करना है। यहाँ पर जैसे ही इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ, यहाँ थ्री रखता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑन करेंट अर्निंग टोटल दिया हुआ है, ठीक है। अब डियरनेस अलाउंस है तो ऑन करेंट अर्निंग टोटल कर देता हूँ, और इसी के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि होगा क्या। डेट डाल दीजिए जिस डेट पर ये हर महीने देना है, तो हर महीने का अलग अलग डिसाइड होगा, तो मई का मान लीजिए हम डिसाइड कर रहे हैं। अब मान लीजिए सैलरी हो 10,000 रुपए, अगर 10,000 रुपए सैलरी है तो कितना डियरनेस अलाउंस देंगे, तो परसेंटेज में आ जाते हैं, तो अगर 10,000 है तो 5% डियरनेस अलाउंस देंगे हम सैलरी का 5%। अगर 10 से 20,000 है, मतलब 10,000 से ऊपर है, 20,000 तक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 4% डियरनेस अलाउंस देंगे, ठीक है। 20 से 30,000 के बीच है, मतलब 30,000 तक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे कर देता हूं 3%, ठीक है, और फिर
30,000 से ऊपर 50,000 तक है तो यहां पर मैं कर देता हूं 2%, ठीक है, परसेंटेज यहां पर करेंगे और यहां पर कर देता हूं 2%, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं और 50,000 से ऊपर है तो मैं कर दूंगा 1%, ठीक है। तो यहां पर मैंने इस तरीके से दे दिया है पूरा सेटअप और इसको आप एक्सेप्ट करा लिया। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी, गया है इतना ही लेकर चलते हैं या फिर एक और बना लेते हैं, पीएफ लिख लेते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं पीएफ, पीएफ बोलते हैं प्रोविडेंट फंड का, धीरे धीरे कटता रहता है, वही पेंशन के रूप में मिलता है आगे चल करके, उसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। तो यहां पे इनडायरेक्ट रख करके एंटर प्रेस करके और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर हमें इसे फ्लैट रेट यहां पे दिया हुआ है तो ये फ्लैट रेट रखना है और यहां पर इसको हम मंथ वाइज करेंगे ये इस तरीके से और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पे 3 or 2 जो भी हो करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये हमारा पूरा हो गया। एक बात क्या करना है, बाहर आ जाइए आप, ठीक है, और यहाँ पर इंप्लॉय का आप ग्रुप बना लेते हैं, यूनिट बनी गया है, पेहेड बनी गया है, अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइप बनी गया है, एम्प्लॉय का ग्रुप बनाते हैं। तो ये ग्रुप में आ गए और यहां पर ग्रुप दूंगा यहां पर लिख देता हूं मैं फर्स्ट क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास के कर्मचारी हैं जो बहुत हाईली सैलरी पाएंगे वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी पाएंगे ये। तो ये कर दिया हमने और यहाँ पे अंडर किस में डालेंगे इसको, तो यहाँ पर आप प्राइमरी भी दे सकते हैं, ये जो प्राइमरी लिखा हुआ था प्राइमरी, इसको एंटर प्रेस करता हूं और ये डिफाइन सैलरी डिटेल छोड़ दीजिए, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे सेकंड क्लास करेंगे, सेकंड क्लास के जो कर्मचारी होंगे सेकंड क्लास, ये लिख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर ये सेकंड क्लास के कर्मचारी हो गए। अब मान लीजिए थर्ड क्लास का बना लेते हैं, तो थर्ड क्लास वाले थर्ड क्लास, सैलरी थोड़ा कम रहेगा इनका, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट करा लेते हैं और ये वो फोर्थ क्लास बना लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा ये इसका भी झंझट। तो ये फोर्थ क्लास का कर्मचारी हमने कर दिया, तो ये फोर्थ क्लास हो गया, एंटर प्रेस किया, इसे भी करा लिया एक्सेप्ट। तो ये फोर्थ क्लास, चारों क्लास के कर्मचारियों का डिटेल हमने कर लिया, मतलब कौन से किस क्लास में जाएंगे ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये सब बना लेने के बाद अब हमको इम्प्लॉई बनाना है, तो इम्प्लॉई कौन कौन से काम करेंगे तो उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला इम्प्लॉई, तो मान लीजिए हम अपना ही नाम दे देते हैं, यहां पर आएंगे तो यहां पर मैंने ग्रुप भी बना रखा है, तो ग्रुप में कौन से क्लास में जाएंगे ये, तो मैं यहाँ पे लगता है कि मैं थर्ड क्लास वाला हूँ या फोर्थ क्लास वाला हूँ, जो भी है, तो उस हिसाब से आपको ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये थर्ड क्लास वाला ही है, तो ये थर्ड क्लास कर दिया मैंने और यहाँ पे आ गए। अब यहां पे आए, ठीक है, यहां पे आएंगे तो यहां पर ज्वाइनिंग डेट देना है, तो 1 मई कर देता हूं, एक चूंकि एक्सेप्ट नहीं करता है ना, एजुकेशनल वर्जन है, दैट्स वाई, तो 1 मई 2020 कर दिया हमने और यहां पर स्टार्ट अफ्रेश दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप अफ्रेश नहीं है तो आप यहां पर कुछ और डाल सकते हैं, लाइक यहां पर आप बेसिक सैलरी कर देते हैं, ठीक है, ये बेसिक सैलरी कर दिया हमने, बेसिक सैलरी कितनी है, लाइक मान लीजिए 25,000 रुपए है, यहाँ पे कर देता हूँ 25,000, ये हो गया। अब यहाँ पर आए तो अब डीए मिलता है कि नहीं मिलता है, तो डीए ले लीजिए, ठीक है, ये डीए कर दिया हमने। फिर यहाँ पे ओटी, ओवरटाइम, ओवरटाइम करेंगे तो कितना मिलेगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया, मान लीजिए ओवरटाइम है तो आवर्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे, तो 250 रुपया घंटा के हिसाब से, तो मान लीजिए कि 600 रुपया घंटा के हिसाब से मिलेगा, 600 रुपए एक घंटे का मिलेगा ओवरटाइम करेंगे तो, ठीक है। टीए, टीए भी मिलता है तो टीए कर दीजिए, टीए कितना मिलेगा, तो महीना भर में 1500 रुपया से ज्यादा टीए नहीं देंगे हम, चाहे कितना हो अब चलिए, ठीक है, ये कर दिया हमने। और पीएफ वो कटेगा तो कितना कटेगा, तो मान लीजिए कि 25,000 रुपया सैलरी है तो 2,000 रुपया कट जाता होगा, तो 2,000 रुपया काट दिया हमने, ठीक है। अब ये हो गया, सारी डिटेल हो गई, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एम्प्लॉई नंबर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ S01, ये एम्प्लॉई नंबर हो गया। डेजिग्नेशन है क्या ये, तो यहाँ पे कर देता हूँ अकाउंटेंट या कुछ इस तरह से दे देंगे हम, ठीक है। फंक्शन क्या है, अकाउंट का फंक्शन है, तो ECUNTS अकाउंट्स, ठीक है। लोकेशन है देवरिया, देवरिया के हैं हम, ठीक है, तो ये देवरिया दे दिया हमने और ये मेल है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिए, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो दे दीजिएगा, ठीक है, पता नहीं मेरा क्या है, मुझे पता नहीं। यहाँ पे फादर का नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फादर का नेम, एंटर प्रेस करता हूं और यहाँ पे स्पाउस नेम, फिर एड्रेस वगैरह आएगा, इसी तरह से ईमेल वगैरह सब कुछ आएगा, यहाँ पे पैन नंबर आएगा, तो जो पैन नंबर है वो सब डाल दीजिएगा, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब दूसरा एम्प्लॉई है राजेश, ठीक है,
तो ये राजेश लिख दिया हमने यहाँ पे एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस, यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे ना स्पेस बार दबाइएगा, स्पेस बार दबाते ही ये है फर्स्ट क्लास का कर्मचारी, बहुत बदमाश है हमारे साथ पढ़ा था। अब ये वाई प्रेस कर दिया हमने, अब यहाँ पर इनका पेड क्या होगा, बेसिक सैलरी, इनकी बेसिक सैलरी जो है मान लीजिए 1,20,000 रुपया है, पता नहीं क्या है ये, ठीक है, तो 1,20,000 कर दिया हमने। अब मान लीजिए टीए डीए लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो डीए दे दिया हमने इनको, ठीक है, फिर ओवर टाइम करते हैं तो मान लीजिए ओवर टाइम करते हैं तो इनको ओवर टाइम मिलेगा 1500 रुपया घंटा, देखिए कितना भेदभाव है, ठीक है, तो ये मान लीजिए ओवर टाइम का हो गया, और ये इनका टीए भी मिलेगा तो टीए कितना मिलेगा, तो इनको टीए मिलेगा 2000 रुपया, 2000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, हमको 1500 मिल रहा था। यहाँ पर पीएफ कर देते हैं तो पीएफ मान लीजिए इनका कट जाता होगा 7-8 हजार कट जाता होगा, 10 हजार मान लीजिए पीएफ काट देते हैं इनका, फिर 10 हजार पीएफ काट दिया हमने। अब एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहाँ पर इम्प्लॉय नंबर दे देते हैं, तो R01 ये इम्प्लॉय नंबर है और बाकी सारी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। एंटरप्रेस करता हूँ, इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे एम्प्लॉय कौन है, तीसरे एम्प्लॉय है राम, ये हमारे सर है भाई, हमारे साथ पढ़ाते थे, तो राम बाबू सर, ठीक है, यहाँ सर लिख देता हूँ, नाराज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आएंगे, स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, तो ये जो है एकदम फर्स्ट क्लास कर्मचारी है, इनको हम थर्ड क्लास फोर्थ क्लास नहीं बना सकते। यहाँ पे वाई प्रेस कर दीजिए, सैलरी की डिटेल आ जाएगी, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है भाई, इनकी बेसिक सैलरी है 2,00,000 रुपया, ठीक है, 2,00,000 रुपया सैलरी है, पता नहीं क्या काम करते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे अब ये कर देता हूँ मैं, सबसे पहले डीए करता हूँ, डीए हो गया। अब यहाँ पे करता हूँ ओवर टाइम, तो ओवर टाइम करते हैं तो इनको ओवर टाइम का मिलता है 5,000 रुपए एक घंटे का मिलता है ओवर टाइम करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ तो ये पीएफ कितना इनका कटता होगा, तो मान लीजिए कि 20,000 रुपए इनका पीएफ कट जाता होगा, ठीक है। इसी तरह से टीए इनका कितना लगता है, तो इनको टीए जो मिलता है वो मिलता है 8,000 रुपए एक महीने का मिलता है, 8,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये हमने कर दिया, तो ये हमने बना लिया डिटेल। और R023 ये इनका एम्प्लॉय नंबर है, एंटरप्रेस करते हुए सारी डिटेल फिल करते हुए आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हमने करा लिया इसे एक्सेप्ट। तो ये इतना काम हमने कर लिया है, ठीक है। बाहर आने के बाद हमको सीधा सीधा यहां से F10 प्रेस करना है, F10 प्रेस करना है या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको दिखेगा अटेंडेंस और पेरोल, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबका अटेंडेंस बना लेते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, तो यहाँ पे एबसेंट या ओवर टाइम जो भी इन्होंने किया है उस हिसाब से पहले एबसेंट रख लेते हैं, तो ये एबसेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू में मान लीजिए कि 5 दिन अब्सेंट रहे, तो 5 दिन यहाँ पे अब्सेंट हो गए, तो ये इनका हो गया डिटेल, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए, अब तो ये राजेश का हो गया, अब मान लीजिए दूसरे जो इम्प्लॉय है राम बाबू सर हैं, तो राम बाबू सर अब्सेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो मान लीजिए ओवर टाइम किए, अब्सेंट नहीं कहेंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये ओवर टाइम किए हैं, ठीक है, और ओवर टाइम भी कितना किए, 12 घंटे का ओवर टाइम किए हैं ये, ठीक है, तो आवर्स अपने आप आ गया, ठीक है ना। इसके बाद राम बाबू सर अब्सेंट भी हुए हैं क्या, तो आप यहाँ पे एबसेंट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एबसेंट है तो मान लीजिए एक दिन ही एबसेंट है, एक दिन एबसेंट लगा देते हैं सर, नाराज मत होइएगा। अब यहाँ पर आ गए एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, ठीक है। अगर कोई और भी एम्प्लॉय होगा, अगर कोई और भी एम्प्लॉय होगा लाइक सूरज है, तो इनको भी ले लेते हैं, ठीक है, इनको क्या छोड़ेंगे, तो ये ले लिया हमने। और मान लीजिए कि ये एबसेंट है, तो ये एबसेंट कितने दिन एबसेंट है, तो मान लीजिए कि 17 दिन ही एबसेंट रहे, ठीक है, ओवर टाइम भी किए हैं, हाँ ओवर टाइम भी किए हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं ओटी लगा लेते हैं ओवर टाइम, तो ये मान लीजिए कि लगभग 56 घंटे ये ओवर टाइम किए हैं, तो ये 56 आवर्स आ गया। अब एंटरप्रेस करके एंड ऑफ लिस्ट करके और इसको करवा लीजिए एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हमको वापिस चलना है F10 प्रेस करके बाउचर में, ये आ गए बाउचर में और पेरोल में आ जाना है। कंट्रोल के साथ F4 प्रेस कीजिएगा फंक्शन बटन, तो आप पेरोल बाउचर में आ जाइएगा। अब ये पेरोल में है, हमको यहाँ पर एक बैंक अकाउंट के थ्रू इन सभी लोगों को सैलरी देना है, तो बैंक अकाउंट का खोलना पड़ेगा, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं। और मान लीजिए हमारा खाता जो है वो कौन से बैंक में है, एफसी, ये बढ़िया बैंक है, पैसा हमेशा रहता है एटीएम में, एचडीएफसी बैंक कर देते हैं, तो ये एचडीएफसी बैंक कर दिया हमने। और एंटरप्रेस करते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट कर दीजिए आप ये यहाँ से, और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको देना होगा जिस बैंक से ये
पैसा जा रहा है और ये ब्रांच नेम तो मैं देवरिया कर देता हूँ सिंपली यहाँ पे, और बाकी की सारी डिटेल आप डाल लीजिएगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करके अब चेकबुक वगैरह देख लीजिएगा क्या करना है, अगर चाहिए तो यस कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि HDFC बैंक में पैसा वैसा नहीं है, तो अब पैसा कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक बार अल्टर पे ले लेते हैं इसको, यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, अल्टर पे चलते हैं, HDFC बैंक को अल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ से आइएगा, देखिए मैं अल्टर करके दिखा भी देता हूँ, ये लाइक लेजर्स में चलना है हमको, ये लेजर्स में आ गए और HDFC बैंक है तो ये HDFC बैंक में आ गए और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नीचवा दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो इनमें कम से कम 10 लाख रुपया रख लेते हैं, ये देखिए 10 लाख रुपया रख लिया, एंटरप्रेस किया, एक्सेप्ट करा लिया। अब जब हम वही काम करने जाएंगे लाइक यहाँ से बी प्रेस करके बाउचर में आए और यहाँ से F10 प्रेस करके जाएंगे का अच्छा पेरोल ही है, तो यहाँ पे HDFC बैंक में आ जाते हैं, ठीक है। अब इन सब लोगों को सैलरी देना है, ठीक है, सबसे पहले राम बाबू सर नाराज हो जाते हैं जल्दी, इनको सैलरी दे देते हैं, तो बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, 2 लाख रुपया सैलरी है, ठीक है। और क्या क्या है इनका, कुछ डीए टीए कुछ है, तो डीए मान लीजिए है, तो जो भी है डीए इनका, तो यहाँ पे डीए दे देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि इनको डीए मिला 5000 रुपया, तो ये 5000 रुपया कर दिया हमने, ठीक है। और फिर यहाँ पे ओवर टाइम इन्होंने किया है, तो ओवर टाइम किया है तो उसका जितना मिला है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डाल दीजिए जो भी ओवर टाइम का आया हो, 17000 रुपया ओवर टाइम में पा गए। और यहाँ पर इसके बाद पीएफ कटा इनका, कितना पीएफ कटा, तो मान लीजिए कि 40000 रुपया पीएफ भी कटी गया, इसी तरह से ले लेते हैं इसको, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। और फिर मान लीजिए कि अब 2 लाख पाएंगे तो 40000 काट ले रहे हैं, क्या करना है, तो ये हो गया। और अब इसको इसी तरह से फिर नीचे आएंगे, ठीक है, ये तो हो गया एक लोगों के लिए सैलरी हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे को सैलरी देनी होगी तो कैसे देंगे, तो फिर यहां पर आपको ये एंड ऑफ लिस्ट करना है और यहां पर आना है राजेश को सैलरी दे देते हैं, तो राजेश जी को सैलरी मिलेगी, तो इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो जो भी इनकी बेसिक सैलरी है लाइक मान लीजिए 50000 रुपया सैलरी है, अब पता नहीं क्या उस समय रखा था मुझे याद नहीं, तो ये हो गया। अब फिर डीए कितना मिल रहा है इनको, तो वो दे दीजिए, तो मान लीजिए 6000 रुपया डीए मिल रहा है, ठीक है। टीए कितना मिल रहा है, तो यहां से टीए कर दीजिए 2000 रुपया टीए कर दीजिए, या 1500 जो भी हो, ठीक है, 1500 रुपया कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहाँ पर अभी आपको आगे नहीं जाना है, ये 1500 करके फिर यहाँ पे आइए, फिर इनका पीएफ कटा हुआ है, तो पीएफ कितना कटा हुआ है, तो 6-7000 पीएफ काट दीजिए इनका, ये काट दिया हमने, ठीक है। और भी कुछ बचा हुआ रुपया, ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। और अब यहाँ पे सूरज सर को मिलेगा, तो अब हम अपना सैलरी का बतिया लेते हैं, मान लीजिए हमारा सैलरी 25000 रुपया है, बेसिक सैलरी पे जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे कर देंगे 25000 रुपये, ठीक है, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे डीए कितना मिला था हमको, डीए ज्यादा नहीं मिला था, 200 रुपया मिला था, ठीक है। इसी तरह से टीए कर देंगे, तो ट्रेवलिंग अलाउंस हमको मिला था 1200 रुपया मैक्सिमम, ना 1500 था, 1200 रुपया ले लिया हमने। अब यहाँ पर आएंगे तो पीएफ की बात करेंगे, तो ये पीएफ कर देते हैं, तो पीएफ मान लीजिए हमारा कट गया 3000 रुपया, बहुत कम सैलरी है, 3000 कटेगा, तो ये 3000। और भी कोई एम्प्लॉई है तो आप इसी तरह से ये काम कर सकते हैं, बेसिक सैलरी टीए डीए। और अब यहाँ पे ओवर टाइम की बात करेंगे, यहाँ पे ओवर टाइम छूट गया है, तो यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और ओवर टाइम, तो ओटी कर देते हैं ये ओटी, तो ओवर टाइम का हमको मिला है 5000 रुपया, तो ये 5000 रुपया कर दिया हमने। और यहाँ पे देखिए ये कुल मिलाकर के सैलरी की पूरी डिटेल आ चुकी है, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये अकाउंट नंबर वगैरह सब डिटेल आप भर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे नरेशन डाल दीजिएगा सैलरी हैज बीन पेड, और ये आपकी एंट्री हो गई पूरी। तो आई होप कि ये पेरोल वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें पेरोल का डिटेल तो यहाँ से देख सकते हैं, प्रिंट करवाना चाहें तो ये पूरा डिटेल एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा, प्रेस कर दीजिएगा और फिर आई बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो ये पूरा डिटेल एक ही बार में आ गया, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहीं से फाड़ फाड़ के सबको सैलरी दे दीजिएगा, ये यहाँ से पढ़िए कागज, फिर यहाँ से पढ़िए ये, ओके। और अगर आपको पूरा और भी कुछ इसमें देखना चाहते हो लाइक सैलरी के बारे में और भी डिटेल लेना चाहते हो, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा वो बता देता हूँ, डिस्प्ले में चले जाइए और फिर यहाँ पर आप आइएगा तो आपको मिलेगा पेरोल रिपोर्ट, तो पेरोल रिपोर्ट में चले जाइए, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ पे स्लिप में आइएगा तो अब देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग लोगों का नाम मिलेगा, राजेश है तो इनका पूरा डिटेल, अब देखिए इसको प्रिंट करता हूँ अल्ट पी के साथ और एंटर प्रेस करता हूँ और आई बटन प्रेस करके दिखा देता हूँ कि ये स्लिप दिखेगी कैसे। तो ये देखिए ये वो स्लिप है,
अब इसमें डीए टीए ओटी ओटी सब इसमें दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी देखिए कितना आया हुआ है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ओके। और अगर किसी दूसरे की सैलरी देखनी हो तो जैसे मान लीजिए अपना सैलरी देख ले कितना मिला, राम बाबू सर का देखते हैं बहुत ज्यादा पैसा कमाए हैं, तो यहाँ पे अल्ट पी करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से आई बटन प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर इनको इस तरह से सैलरी मिलेगी 2,82,000 हो गया। तो ये लाख दिए थे, कितना ज्यादा हो गया, पीएफ को काट के 2,82,000 आया है, बहुत पैसा कमा रहा है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल मैंने दिया कि ये एक आउटलाइन की कैसे आप ये कर सकते हैं। आगे चल करके छोटे छोटे टॉपिक्स पे इसमें वीडियोस आते रहेंगे, बड़े टॉपिक को लेकर के वीडियो की डिमांड थी तो इसलिए ये बना दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।